हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आपके हालचाल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे हम सब लोग कहाँ बैठे हैं पार्क तो हम लोग आए हैं, यहाँ एक पार्क है इटावा डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि इटावा से आप आएंगे तो बकेबर की तरफ पहले आएंगे, फिर बकेबर से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है बहेड़ा चौराहा है, उससे राइट हैंड टर्न करेंगे और इस पार्क की जगह है, गलियां हैं, बहुत छोटी छोटी गलियां हैं जहां पे बहुत टर्न करके गाड़ी को आना पड़ा है। आप ये सोचेंगे ना कि मतलब इतनी गर्मियों में घूम घाम के आए हैं और इतनी प्यारी सी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। हाँ। इस पार्क का नाम है वृंदा हर्बल पार्क। आज हम यहीं बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा पार्क है, हम आपको इस पार्क की सैर करवाते हैं। मम्मी क्या बोल रही? बहुत मजेदार है पार्क। मम्मी को पार्क बहुत अच्छा लगा है, चलिए आप सभी को भी इस पार्क की सैर करवाते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आप सच में बहुत मजे आने वाले हैं आपको इस वीडियो में, तो एंड तक वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर आप सभी को इस पार्क में, ब्यूटीफुल पार्क में। आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ? आज हम कहाँ जा रहे हैं? बहेड़ा पार्क। बहेड़ा है? नहीं। पापा को पता होगा क्या? बिंद्रा हर्बल पार्क। नाम है बिंद्रा हर्बल पार्क और वो महेवा के आसपास है, तो पक्के पर लोग 10 किलोमीटर से। मेबी। अगर आप इटावा में रहने वाले हैं तो आप जरूर वहाँ जाएं। बहुत अच्छी जगह है। तो आज हम किसी ने सजेस्ट किया है कि आज वहाँ जाएं। ओके, तो आज हम सब लोग जा रहे हैं, मम्मी है और दीदी है, पापा जी हैं, हस्बैंड जी हैं और मैं भी हूँ। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं फिर आज बहेड़ा पार्क में। मैंने इस जगह के रिव्यू कुछ लोगों से सुने हैं, क्या कहा है उन लोगों कि अगर आप इटावा के रहने वाले तो यहाँ जरूर जाएं, और कभी आप अगर इटावा विजिट करते हैं तो जरूर हर्बल पार्क देख लें। लेट्स सी कितनी अच्छी जगह है, लोगों ने क्यों इतना सजेस्ट किया। तो देख रहे हो ना, ये ऑटो वाले ड्राइवर इतने परफेक्ट होते हैं, हाल इधर से उधर सूं सूं करके घुमा के ऐसे ऐसे ऐसे। एक और गाड़ी है, रुको रुको रुको, इतनी पतली गली में यार, ले अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे ना तो समझ लो ये सब आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा ड्राइवर होना पड़ेगा आपको यहाँ पे आने के लिए। बहुत सकरी जगह है यार, सकरी रोड बहुत ज़्यादा छोटी होती पतली। पार्क की रास्ता किधर अभी? इधर। तो अब ये है पार्क। अभी तक का हमारा रिव्यू ऐसा है कि भैया बड़ी मुश्किल से पहुंच पाए। चार्ज है क्या पार्क? कितना? विजय प्रताप जी ने ये बनवाया है, जो कितना प्यारा सजाया गया है।
देखो आपको एक जानकारी मिलेगी पर्यावरण के बारे में, 10 फायदे हैं पार्क के फॉर यार्ड। ये कैंटीन है यहाँ पे, कैंटीन में आपको सारी फास्ट फूड मिल जाएगा, यहाँ पर आप खा सकते हैं खाना। क्या मिल गया? अलग अलग वैरायटी मिलेंगी पेड़ पौधों, जो आपने कभी नहीं देखे होंगे ना पेड़, वो मिलेंगे। और यहाँ ये है आयुर्वेदिक पार्क, जंगली प्याज, सफेद सिंदूर, मल्टी विटामिन, काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे। थाइम का है, तुलसी है, या एक डीजल का भी है, ये वाला, ये डीजल का है, ये पेड़ डीजल का है। ये लेमन तुलसी है, लेमन तुलसी। और फ्लावर्स देख सकते हैं आप कितने प्यारे हैं। और वो झूला हमारा इंतजार कर रहा है। मम्मी नहीं थी इतने शांत। यहाँ पार्क में एक्यूप्रेशर की भी वो है, जिससे कि आप अगर उस पर बिना जूते के चढ़ेंगे ना, तो ब्लड प्रेशर में काफ़ी हेल्प मिलेगी, मेंटेन रहेगा। कहाँ ये है? ये देखो, नहीं ये देखो पापा, इस पे ये देखो, बहुत गुड्डी डाल रही है, बहुत छिटती हैं। मॉर्निंग में चलेंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं मतलब पार्क को काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है, मॉर्निंग में आएँ इस पर चलें तो काफ़ी बहुत अच्छा हेल्थ रहेगा, बहुत अच्छा फील करेंगे आप। इस पर चलने में बड़े मज़े आ रहे हैं सच में। हालांकि छिद बहुत चलो जूते पहन के आते हैं। तुमने उतारे ही नहीं, शाबाश। तो अलग अलग तरीके की है, ये वाली ज़्यादा नुकीली है, ये कम नुकीली है, ये और भी फ्लैट है, और ये नॉर्मल है। चलो तो अब हम जूते पहन लेते हैं। वाह, शिवलिंग और हाथी, इस सेक्शन में तो मैं आई नहीं थी। वाह, हाथी, शिवलिंग, वाह। अब यहाँ एंट्री किए थे तब फव्वारा नहीं चला था, लेकिन अब देखो क्या प्यारा फाउंटेन लग रहा है। वाह, आप यहाँ बैठ सकते हैं।
फैमिली के साथ आए तो डिनर, बर्थडे कुछ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं यहाँ पे। वाह, आप लोग, आप सभी यहाँ आके फुल एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पे। और ये मरी जा रही है अपने पोज के लिए। मस्त झूला, मस्त झूल सकते हैं यहाँ पे, काफी मजा। ये क्या है ये? इतना बड़ा फल ये भाई, ये तो आप देखें। नाम नहीं लिखा है, कुछ लिखा? ये फल जो है चकोतरा है। चकोतरा का काम क्या है वैसे? चकोतरा का काम पता है? आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। ये देखो रामफल है, रामफल अखरोट का पेड़। कहाँ पे? ये है कदम का पेड़, देखो इतना बड़ा। यहाँ कितने पेड़ हैं यार सच में। ये अनार का पेड़, लोलीना, लाल चंदन की स्टोरी पता है पुष्पा? कहाँ है लाल चंदन? ये सफेद चंदन है, हालांकि ये सफेद चंदन है और लाल चंदन तो आपने पुष्पा में देखा ही होगा। अमरूद लगे हुए हैं। जायफल, जायफल कहाँ है? ये हालांकि पेड़ मुरझाया हुआ है बिल्कुल। अश्वगंधा है ही नहीं, वो बड़ा रीठा का पेड़ नहीं, अश्वगंधा ये है, इसके बगल में लगा है रीठा का पेड़, वो है बड़ा। ओहो, ये कोको का है, चॉकलेट का, ये सीडलेस रिमूव है भैया, जिनको नींबू खाना है बट सीड नहीं चाहिए वो यहाँ से ले जाओ भैया। हाँ, यहाँ पे सेल लगे हुए हैं, आप उनको खरीद सकते हैं। इस नींबू में सीड नहीं आते, ये संतरा का पेड़ है। ये नहीं, ये हाँ यही वाला, यही देख रहे, कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। आप कुछ बोलना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके, मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग यहाँ आए, बहुत अच्छी जगह है ये। रेड एप्पल का ये चंदन, या चंदन सच में काफी है, काफी अच्छी जगह है यार। मतलब एप्पल के भी प्रकार कितने सारे, वाटर एप्पल, मलाई एप्पल, पीछे लगे हुए हैं। तो पीछे आपने बताया क्यों पीछे? चलो आपको कौन से एप्पल? मलाई एप्पल, बटर एप्पल, ये है मलाई एप्पल, ये है मलाई एप्पल, ये वाटर एप्पल है जो गायब हो गया। वाटर एप्पल, ये है मलाई एप्पल। कटहल का पेड़, चेरी, कीनू, मिनो मौसमी, अमरूद, फ्रेंजना, इनकी स्लो मोशन, इनके एक तो पोज नहीं खत्म हो रहे हैं और एक वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, इनके स्लो मोशन। आज का ब्लॉग इनके नाम पे, कीवी का पेड़। ये काला आम, काला कीवी, काला आम, पैशन फ्रूट, मतलब अलग अलग नाम आप सुनेंगे यहाँ पे। आपने जिनका नाम भी नहीं सुना होगा ना,
रुद्राक्ष का पेड़, वाह। वो एप्पल का, एप्पल। आप बताते हुए चलो, मैं रिकॉर्ड करते हुए। फैशन फ्रूट, इस फल में ना इसके इयररिंग्स लटकते होंगे और लिपस्टिक लगी होगी और काजल लगा होगा इस फ्रूट के, इसलिए इसका नाम है फैशन फ्रूट। सीरियसली। जंगल जलेबी आज के लोग मजे आएंगे। राम भूटान, बादाम का पेड़, लीची, ए, नहीं देख रही, मैं पता है देख रही है, मैं बस सच में देख रही थी, देख नहीं रही थी, तोड़ के खा लेती है। कीनू, कॉफी का प्लांट है भाई, पर बहुत छोटा है यार। ये चाय के है, ये चाय का प्लांट है। मोगरा, इमली, एयर पोटैटो, ये देखो जहाँ नहीं वहाँ तहाँ शुरू हो जाती है। अगर कितनी प्यारी है, मतलब प्री वेडिंग वगैरह जो शूट होते हैं ना, आप यहाँ पे वाकई में कर सकते हैं। वाकई में बहुत बहुत प्यारी जगह है, लोकेशन चूज कर सकते हैं, बहुत प्यारी जगह है और बहुत अच्छा प्री वेडिंग शूट होगा। ये पोज दे रही है, मैं ब्लॉग में बिजी हूँ। और ये आप कहाँ बिजी हो? मैं अपनी रील्स में बिजी हूँ। सब अपने अपने बिजी है। मैं एक पॉन्ड है। क्या रील बनानी पड़ रही है यार, बनाओ जल्दी, फिर यहाँ पे लोग आ जाएंगे। जल्दी आओ, आड़ू का पेड़ है, पर आड़ू अफसोस सूखा हुआ है। ये शिमला का पेड़ है, एप्रिकॉट जिसको बोलते हैं। कितना प्यारा लग रहा है यार ये, ऐसे सच में। और पार्क के जस्ट बगल में एक पॉन्ड है, बहुत प्यारा व्यू दे रहा है यार, जो कि बाहर की वैरायटी के जो पेड़ पौधे हैं वो ज्यादातर सूख गए हैं, क्योंकि यहाँ जलवायु नहीं है ना उनके लिए। लेकिन यहाँ हर वैरायटी के आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, इतने तो मैंने कभी सुने भी नहीं थे, वो हैं यहाँ पे। और ये कपल हैं जो यहाँ पे, इनकी शायद फर्स्ट टाइम मीट हुई है, तो ये लोग घूमने आए हैं यहाँ। यहाँ पे दो तीन लोग मिल चुके हैं। ये कितनी प्यारी वो लग रही थी, वो लाल टेन, ये देखो। क्या देख रही हो? अगर मैं इस पॉन्ड में गिर गई तो आप मुझे कैसे बचाओगे? मैं ऐसे ढकेल दूंगा। देख लो, देखो ये है। चलो कबूतर और खरगोश दिखाते हैं आपको। वाह तक प्यारे लग रहे यार। hey. oh yeah. वो है कबूतर, कबूतर उसमें अंदर है, वैरायटी वाले। ये मटके जो रखे हैं वो कबूतरों का घर है। जब माया आए थे, एंट्री किए थे, तब ये वाला झूला नहीं था, मतलब मिक्की माउस नहीं था, इसमें हवा फिल की गई है तो ये तैयार हो गया। ये बच्चों के लिए तो नहीं है, ये देख लेना बस।
हाँ, ज्ञान देने चला आएगा दूसरा आदमी। हाँ, तो बच्चे ए सुनो, आप लोग बड़े हो गए हो। ए उठ लो अब, कोई ना कोई आ जाए। कहाँ, इधर कहाँ लिखा? अरे इधर तो लिखा है, लिखा हुआ है। पर बच्चा लिखा हुआ है, अफसोस। दस रुपए बच्चा लिखा हुआ है। अभी वापस लेते हैं। अभी तो कह रही थी हम बच्चे मच्छर छोड़ के। आंटी बोल रहा था वो। मैंने साड़ी पहन ली। हाँ। मींस मैं आंटी लग रही हूँ। आंटी ही हो गई हूँ अब। वो बच्चे। डोंट कॉल मी आंटी, ओके? वो आंटी। I'm a girl. Not आंटी। यहाँ पर टॉयलेट भी है महिला और पुरुष दोनों के लिए, मतलब बहुत सही तरीके से डिजाइन किया गया है। ये ऑफिस है, अच्छा ये मतलब जब भी कोई छोटा 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 मोटा फंक्शन होना होता है तो यहाँ पर अरेंज हो जाता है, जैसे गोद भराई हुई और भी छोटे छोटे जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर हो जाते हैं। लाइटिंग होने के बाद तो पार्क की अलग ही खूबसूरती हो जाती है, आप देख सकते हैं। वाओ, तो अब हम पार्क से आ गए हैं वापस और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। जगह काफ़ी अच्छी थी, बट एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर अगर अपने वाहन से आते हैं, फोर व्हीलर से, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर दो कार फंस गई ना तो डेड लॉक की कंडीशन आ जाएगी ना, वो फिर एक को पीछे जाना ही पड़ेगा। सब गोलगप्पे खाने, तो एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं हम, क्योंकि किसी को खाना है बर्गर, किसी को खाना है फिंगर, किसी को खाना है गोलगप्पे, तो भैया एक स्टॉप लेते हैं और खाते हैं। चलो, देखो बकड़ों की तरह लगे हुए हैं।